बीजेपी के शानदार जानदार और जबरदस्त अध्यक्ष अमित शाह का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में बीजेपी का नया अध्यक्ष होगा। बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष से जेपी नड्डा अब पूर्णकालीन अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। नड्डा की बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी 20 जनवरी को होगी। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गृह मंत्री बन गए, जिसके चलते पार्टी की कमान जेपी नड्डा को सौंपी गई और उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन अब जब नड्डा पूर्णकालीन अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या नड्डा शाह की तरह बन पाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद जेपी नड्डा की पहली अग्नि परीक्षा दिल्ली विधानसभा चुनाव में होनी है। बीजेपी पिछले 21 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। ऐसे में जेपी नड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को दिल्ली की सत्ता में वापसी कराने की है। दिल्ली के बाद जेपी नड्डा के नेतृत्व में बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ छोड़ जाने के बाद बिहार में भाजपा के सामने जदयू के साथ गठबंधन को बनाए रखने की चुनौती भी है। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2021 में पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल जेपी नड्डा के सामने आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, उसे बनाए रखने की उम्मीद बीजेपी कार्यकर्ता जेपी नड्डा से करेंगे। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने देश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सहित बड़े राज्यों में जीत का परचम फहराया है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि जेपी नड्डा पार्टी को किस रफ्तार से दौड़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।